हम इस बात वाकिफ है कि किडनी हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। ऐसे में हमें किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज सही समय पर न हो तो समस्या और गंभीर हो जाती है। इसलिए हमें सही समय सही नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आपको बता दें, नेफ्रोलॉजिस्ट पॉलीसिस्टिक किडनी रोग, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी स्टोन्स जैसी कई छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बीमारियों तक का इलाज करते हैं। इसलिए आज डॉक्टर टाइम्स आपके लिए लाया है कोलकाता के टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट की पूरी जानकारी, डॉक्टर सौभिक सुरल। डॉक्टर सौभिक सुरल के पास 27 साल का अनुभव है और वे अभी पियरलेस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर रंजन सरकार। डॉक्टर रंजन सरकार के पास 25 वर्ष का अनुभव है और वे अभी AMRI हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर जयंता बासु। डॉक्टर जयंता बासु के पास 28 साल का अनुभव है और वे अभी पियरलेस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर प्रतिम सिंहगुप्ता। डॉक्टर प्रतिम सिंहगुप्ता के पास 27 साल का अनुभव है और वे अभी बेलव्यू क्लिनिक और ILS ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर सुचंद्र दास। डॉक्टर सुचंद्र दास के पास 26 वर्ष का अनुभव है और वे अभी फोर्टिस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर ललित अग्रवाल। डॉक्टर ललित अग्रवाल के पास 23 साल का अनुभव है और वे अभी टेक्नो इंडिया दामा हेल्थ केयर एंड मेडिकल सेंटर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अर्घ्य मंजुमदार। डॉक्टर अर्घ्य मंजुमदार के पास 35 साल का अनुभव है और वे अभी AMRI हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार पहाड़ी। डॉक्टर दिलीप कुमार पहाड़ी के पास 33 साल एक्सपीरियंस है और वे अभी मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अरूप रतन दत्ता। डॉक्टर अरूप रतन दत्ता के पास 33 साल का अनुभव है और वे अभी फोर्टिस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।